एन अ करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से डेटा साइंस की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप 2 से लेकर 2 ईयर तक के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपके पास 2 से लेकर 4 ईयर तक का भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एडवांटेज होने वाला है। तो बाकी सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जिसमें हम जितनी हो सके उतनी पर डे 2 जॉब अपॉर्चुनिटी हम पोस्ट करते हैं, एक वर्क फ्रॉम होम, एक वर्क फ्रॉम ऑफिस या हाइब्रिड, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हम पोस्ट करते हैं। तो बाकी अगर आप इंटरेस्टेड होते हो किसी प्रकार की जॉब में वे तो अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए वीडियो को आरंभ। तो अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से डेटा एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंस एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है गुड़गांव, हरियाणा, बेंगलोर के लिए, मतलब कि गुड़गांव और बेंगलोर की अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी है। स्क्रोल डाउन अगर हम करते हैं तो MBA, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड, और 0 से लेके आपका मिनिमम 2.5 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, और उसके अलावा 2 साल से लेके 4 साल का एक्सपीरियंस आपका सीनियर एनालिस्ट में होना चाहिए, जिसमें आपका बिग डेटा वर्क्स टीम हो गया, ठीक है। उसके अलावा तो SAS हो गया, R, Python, हाइक, स्पार्क, SQL की नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो बाकी अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो एक बार पूरा गो थ्रू हो जाना आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ों में, ताकि आपके ऊपर पता लग जाए। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड होते हो अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।